हेलो एवरीवन, रोज सुबह उठते हो तब आप रोज 5 मिनट ये प्रैक्टिस करके देखो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इट वर्क्स लाइक मैजिक। अगर आप सुबह से उठते हो और उस समय सिर्फ 5 मिनट आप इस चीज को देते हो तो आपका जीवन सच में बदल जाता है। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो आपको सिर्फ 5 मिनट सुबह उठ के क्या करना है जो जादू की तरह आपकी दुनिया को बदल सकता है, वो ये चीज है कि बी प्रेजेंट। मीन्स आपको जो पल है उस समय का, उसी पल में मौजूद रहना है, उपस्थित रहना है, उस चीज को समझना है। मीन्स कई बार क्या होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो कई बार टेक्निक्स करते हैं, रात को करते हैं, ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन वाली करते हैं, और मॉर्निंग में उठ के उनको लगता है कि कुछ तो चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है। तो फिर से पुराने पैटर्न को रिपीट करते जाते हैं, अपने पास्ट को रिपीट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? हर चीज तभी दिखेगी वो सामने जब उसका सही समय होगा और जब आप उससे डिटैच हो जाओगे। मींस आप उस फीलिंग में रहोगे कि यू ऑलरेडी हैव इट, आपके पास वो है। तो ये तो वो लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और सुबह उठ के वापिस उसी चीज में आ जाते हैं कि ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, या कहां फिर से एक दिन और आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह की सोच बंद करो। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो ये नहीं जानते, वो लोग भी देखो। आप जैसे ही सुबह होता है तो उठ के सबसे पहले हमारे वो नेगेटिव पैटर्न, ओल्ड थॉट्स, पास्ट पूरा हम कैरी किए हुए रहते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। यही 5 मिनट की प्रैक्टिस है जो जादू की तरह काम करती, क्योंकि हमारा अगला पल ये पल डिसाइड करेगा कि अगला पल कैसा होगा। तो जब हम पास्ट को ही रिपीट करते रहेंगे और पास्ट में ही रहेंगे तो वो पास्ट ही क्रिएट होगा। सेम थिंग करेंगे तो सेम थिंग ही होगी। तो यहाँ पे हमको पैटर्न को ब्रेक करना है और उस 5 मिनट को आपको बी प्रेजेंट उसी मोमेंट में देना है। अब आप उसके लिए क्या प्रोसेस करोगे? उसके लिए आपको करना है मेडिटेशन। उठते साथ सबसे पहले थैंक यू बोलिए, नो मैटर व्हाट हैपेंड। आप जिंदा हो, जमीन पे पैर रख रहे हो, आप बिस्तर से उठते साथ सबसे पहले जब जमीन पे पैर रखिए थैंक यू बोलिए, किसी और चीज के लिए नहीं। आप सिर्फ जिंदा हो सिर्फ इसलिए थैंक यू बोलिए। क्या ये कम है कि आज एक दिन और आपको मिला है कि आप अपने लिए खुशहाली को महसूस कर सको, लोगों को खुश कर सको, खुद एक दिन और आपको प्रकृति या दुनिया देखने का मौका मिल रहा है? कितनी बड़ी बात है ये, एक बार इमेजिन करके देखो। मान लो कल आप नहीं उठे तो आपके कितने सारे काम हैं जो रुक जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए आपकी आत्मा तड़प रही होती कि काश मुझे एक दिन और मिल गया होता तो मैं ये कर लेता, बच्चों के लिए कर लेता या माता पिता के लिए कर लेता। बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बी ग्रेटफुल। आपको जीवन मिला उसके लिए ग्रेटफुल रहना, तो थैंक यू बोल के उठना है। और बिना पास्ट के ओल्ड पैटर्न को रिपीट किए, पुरानी चीज़ों को या कोई नई एक्सपेक्टेशन को सोचने के बजाय सिर्फ आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे मेडिटेशन करना है, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आपको कम से कम 20 टाइम्स अनुलोम विलोम करना है, या सिर्फ आप दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो। उस समय आप दो काम आपके हो रहे होते हैं, अनअवेयर मतलब आप उसमें अवेयर नहीं रहते हो, उसके बाद में भी ये दो काम हो रहे होते हैं। पहला जो काम है वो आप अपने यूनिवर्सल सोर्स या अपने ओरिजिनल सोर्स कॉन्शियस बीइंग, हम जो प्रकाश रूप, हमारा जो रूप है या आत्मा है, हम उससे कनेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके कनेक्शन का जो लिंक है वो क्या है, ब्रीदिंग, सांसें। सांसें हमको हमारी सोल से कनेक्ट करती हैं और उस समय हमारे दिमाग में कोई विचार हावी नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है उस समय। तो आप उस समय नया अपना भविष्य से जुड़ जाते हो। मीन्स दो काम ये होते हैं, पहला जब आप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करते हो और किस पे ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो पहला आप अपने ओरिजिनल सोर्स अपनी आत्मा सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हो, और दूसरा आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल अलाइनमेंट में रहते हो, क्योंकि आपने जो सोच रखा है वो ऑलरेडी
वहां पे आपने फील भी कर रखा है। अब यहाँ जब आप मेडिटेशन करोगे तो वो ऑलरेडी आप उस अलाइनमेंट में रहोगे, तो दो चीजें आपकी उस समय होती हैं और ये मैजिक की तरह काम करता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेके, प्रोसेस तो सिर्फ यही है 5 मिनट की, बट दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ये है कि आपको पूरे दिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। मींस आपने उस समय 5 मिनट बहुत अच्छा दे दिया, पर अगर आप दिन भर यही सब सोचते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे और ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये लैक लिमिटेशंस है, या कोई नेगेटिव लोग आपके पास आ गए उस तरह की बातें करने लगे, तो आप इन सब चीज़ों से अपने को बचाना है। तो बचाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड करके रखना है। मींस आपको अपना ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना मैग्नेटिक, इतना एनर्जेटिक, इतना हैप्पीस्ट बनाना है कि लोग या तो ऐसे लोग आपके पास आए ही ना, या आए तो आप उन पे अटेंशन नहीं दो, उस पे फोकस मत करो, और आप पूरे दिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। मींस कॉन्शियसनेस की, अगर आपको कोई ऐसा साइन दिख भी रहा है जो पॉजिटिव नहीं है, तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचो कि अभी ये दिख रहा है पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये रियलिटी में अच्छा है, ट्रू जो सोर्स होता है वो अच्छा ही होता है। तो आपको दिन भर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपना नया फ्यूचर और अच्छा और बेटर फ्यूचर बना सकते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके अलावा एक और अंडरस्टैंडिंग बताते हैं माइंडफुल प्रैक्टिस के साथ, कि योर पर्सनालिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। मींस आप जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जैसा एक्शन ले रहे हो, वैसी ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो बी अवेयर कि आप पूरे दिन भर में क्या बोल रहे हो, नेगेटिव चीजें तो नहीं बोल रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, मींस अनहेल्दी फील कर रहे हो या किस तरीके की फील कर रहे हो, उसके लिए आप जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, और कैसे एक्शन ले रहे हो, मेक श्योर कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग और एक्शन आपके फ्यूचर में आप जो बनना चाहते हो उसके अलाइनमेंट में रहे। ऐसा तो नहीं है कि आपने आपको बहुत अबंडेंस और रिच समझ रहे हो, हेल्दी समझ रहे हो, बोल रहे हो जो आपके फ्यूचर में है, बट अभी आप एक्शन कैसा ले रहे हो। मान लो आपने अपने हेल्थ के लिए बोला आई एम वेरी हेल्दी और आप अभी जंक फूड खा रहे हो, तो वो आपके फ्यूचर के अलाइनमेंट में नहीं है। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, बहुत सारी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ये आप दिखाती हैं कि आप रिपीट काम वैसा ही कर रहे हो जो पास्ट में करते थे, पर आपको फ्यूचर के लिए आप उम्मीद रखते हो कि वो आपके पास आए। तो वो तभी आएगा जब आप उसके लायक पर्सन बन जाओगे, और वही एक्चुअली मैनिफेस्टेशन में टाइम नहीं लगता, वो पर्सन बनने में टाइम लगता है आपको। तो ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि आप खुद भी वैसा बदल रहे हो, आप खुद भी चेंज हो रहे हो। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि आपके जितने भी ये तीनों चीजें हैं, ये अलाइनमेंट फ्यूचर के जो आप बनने वाले हो उसके फ्यूचर के अलाइनमेंट में होना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, मींस या जब आप मेडिटेशन करने के जस्ट बाद, आप कई बार क्या होता है मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके बाद में हम फिर वैसे ही रूटीन करने लगते हैं जो करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि 5 मिनट के मेडिटेशन को जैसे ही आप खत्म करो, तुरंत अपने आप से ऐसा बोलना शुरू करो कि नाउ आई एम लिविंग इन माई फ्यूचर, और वो फ्यूचर अभी है, और नाउ आई एम गोइंग टू नॉट वेटिंग फॉर माई मैनिफेस्टेशन, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर फॉर माई मैनिफेस्टेशन। मतलब मैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए अब आज से वेट नहीं करूँगा, मैं उसमें ही जीना शुरू करूँगा, और मैं अपनी बॉडी को, इमोशन को फील करने के लिए टीच करूँगा। आई एम गोइंग टू टीच माई बॉडी टू फील द इमोशन विच आई वॉन्ट टू फील। मैं अपने आप को वैसा ही एक्ट भी करूँगा, वैसे ही इमोशंस भी डालूंगा, वैसे ही फील भी करूँगा जैसे कि मैं बनना चाहता हूँ। जब आप ये बार बार अपने आप को बोलोगे तो आप अपने फ्यूचर में ही लिविंग करोगे, मीन्स रहना शुरू करोगे। तो ये 5 मिनट की प्रैक्टिस है, बट अमेजिंग प्रैक्टिस है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एंड आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।